Assalamualaikum, Grade Six. I hope all of you are fine and doing well and having fun at home. Okay, students. So today we are going to start our writing class, and today you have to write a letter. You know well, uh, you know very well that how to write a letter. But once again, uh, I will describe all the rules and uh, uh, all the rules and steps that how to write a letter okay students so uh, before start writing uh, i want to discuss some uh, points related to this topic uh, so let's start okay grade 6 so first of all you have to keep in your mind that uh, uh, there are two types of letter. One is formal letter, and second is informal letter. So before uh, before writing a letter, you have to uh, understood uh, the concept of formal letter and informal letters. So today we are discussing that there are two types of letter. One is formal letter, and second is informal letter. Okay, students. So first of all, we will discuss. Uh, about formal letter uh, you know what do you know uh, what is formal letter what is the meaning of the word formal okay students so the word formal means uh, official okay students so this formal letter can be uh, written as official letter uh, is known as official letter and uh, uh, this letter also known as business letter because Uh, जो फॉर्मल लेटर होता है वो हमेशा हम लोग ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जब भी हम किसी को लेटर uh, लिखते हैं किसी ऑफिस पर्सन को या किसी बिजनेस के अकॉर्डिंग तो फिर उसको हम क्या कहते हैं फॉर्मल लेटर एंड इन दिस लेटर वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वी हैव टू राइट दिस लेटर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड स्टाइल ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर नॉन एज पर्सनल लेटर इनफॉर्मल लेटर को हम लोग पर्सनल लेटर के तौर पे भी जानते हैं इस लेटर के अंदर हमेशा हम लोग पर्सनल राइटिंग करते हैं इट मींस कि इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने किसी रिलेटिव्स को अपने पेरेंट्स को या फिर ग, 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 किसी भी फ्रेंड को लिखा जाता है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अगर हम लोगों ने अपनी फ्रेंड किसी भी फ्रेंड से कुछ पूछना हो या उस उनको कुछ आ, बताना हो तो हम लोग उनको इनफॉर्मल लेटर जो है वो लिखते हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत आम सी लैंग्वेज जो कि फॉर्मली इनफॉर्मल तौर पर हम घर पे भी बोलते हैं उनके साथ वो लैंग्वेज यूज़ की जाती है सो दे दिस इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन अ फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर ओके स्टूडेंट्स सो नाउ वी विल डिस्कस दैट विच इज़ आर Topic of today's letter. Today we have to you have to write on a topic that write a letter to your friend congratulating him or her to his or her birth, on his birthday. Aapne, apne dost ko congratulate karna hai. Understand? So now you have to tell me hmm, that this letter will be formal or informal because you are writing a letter to your friend. So students tell me. ओके स्टूडेंट्स दिस लेटर बिकॉज यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड आप अपने दोस्त को लेटर लिखने जा रहे हैं और इस लेटर में आपको बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से आपको किसी ऑफिस या किसी बिजनेस पर्पज के लिए नहीं लिख रहे आप अपने फ्रेंड को कंग्रेचुलेट uh, uh, करने के लिए लिख रहे हैं सो दिस लेटर विल बी इनफॉर्मल लेटर ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम रूल्स टू राइट अ लेटर अब हम लोगों ने कुछ रूल्स हैं लेटर राइटिंग में जो हम लोगों ने फॉलो करने हैं आप लोगों ने फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट टू स्टार्ट अ लेटर ओके स्टूडेंट्स सो ऑन द लेफ्ट साइड वी विल राइट एग्जामिनेशन हॉल व्हाट वी विल राइट एग्जामिनेशन हॉल एंड आफ्टर दैट वी विल पुट अ कोमा हम लोग एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे और उसके बाद हम लोग एक कोमा को पुट कर देंगे ऑन दी नेक्स्ट लाइन ऑन द राइट साइड नेक्स्ट लाइन में राइट साइड पे ही हम लोग एड्रेस लिखेंगे एड्रेस हमें प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं होती जब हम लोग एग्जामिनेशन के लिए मतलब अब एज अ स्टूडेंट हम लोग लेटर लिख रहे होते हैं सो वट वट वी हैव टू राइट वी हैव टू राइट सिटी कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी डॉट कैपिटल सी वट वी विल राइट दैट सिटी ए बी सी ए डॉट बी डॉट सी ओके स्टूडेंट्स आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डेट आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होता है डेट डेट में आप लोगों ने डेट को कैसे लिखना है आप लोगों ने जो भी मंथ चल रहा है वो पूरे उसके स्पेलिंग आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डेट जो भी डेट होगी जिस दिन आप लोग ये काम कर रहे हैं आपने वो डेट लिखनी है आफ्टर दैट यू हैव टू पुटा कोमा एंड आफ्टर दैट यर यू हैव टू राइट मीन्स ट्वेंटी ट्वेंटी ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट स्टेप विल बी यू इफ़ यू आर यू हैव टू राइट रेफरेंस ऑफ अ पर्सन टू whom यू आर राइटिंग अ लेटर अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड लिखेंगे किसी लेटर में अगर आप अपनी मदर को लिख रहे हैं अपने फादर को लिख रहे हैं किसी भी पर्सन के लिख रहे हैं तो डियर के, uh, के साथ आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर में डियर के साथ आप लोगों को फ्रेंड लिखना होगा डियर फ्रेंड एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट अ comma ओके स्टूडेंट्स सो आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सम ग्रीटिंग्स आप लोगों को अल्लाम वालकुम हाउ आर यू डिस एंड दैट ये आप लोगों को डिस्कस करना होगा एंड एट दी एंड ऑफ द लेटर यू हैव टू राइट ऑन द राइट साइड योर्स ट्रूली या योर्स सिंसेयरली या योर्स एफेक्शनीटली वट एवर यू वॉन्ट टू राइट आपने वो लिखना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट अ कोमा एंड उसके नीचे आप लोगों ने अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों ने जस्ट एक्स डॉट वाई डॉटी लिखना है सो दैट्स इट लेटर विल बी कंप्लीटेड ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ्स आप लोगों ने क्या करना है पैराग्राफ लिखने हैं लेटर के अंदर ऑब्वियसली ग्रीटिंग के बाद आप लोगों ने पैराग्राफ्स कुछ लिखने है, और उन पैराग्राफ्स के अंदर क्या लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ग्रीटिंग्स Uh, जिसमें अस्सलाम वालेकुम आप अपना हाल बताएंगे नेक्स्ट पर्सन का हाल पूछेंगे ठीक है उसके आफ्टर दैट uh, आप लोगों ने क्या करना है योर फ्रेंड्स बर्थडे इस आप लोगों ने उसकी बर्थडे को डिस्कस करना है उस डे को थोड़ा सा डिस्कस करना है एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने एक्सप्लें uh, करना है कि यू हैव रिसीव्ड आ इनविटेशन कार्ड फ्रॉम योर फ्रेंड आपने अपने दोस्त की तरफ से इनविटेशन कार्ड को रिसीव कर लिया है उसके बाद आप लोगों को क्या मतलब आप लोगों ने इन्विटेशन कार्ड रिसीव करने के बारे में लिखने के बाद आप लोगों ने उसको कंग्रेचुलेट करना है उसका बर्थडे उसके बाद आप लोगों ने रीज़न बतानी है कि आप किस वजह से उसकी बर्थडे पार्टी में जा नहीं सकते ठीक है वो बताने के बाद लास्ट पे आप लोगों ने कुछ विशेज़ हैं जो अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पे एज अ फ्रेंड आपने उसको विश करना है बर्थडे को Uh, और उसके बाद आप लोगों ने ग्रीटिंग्स जो घर वालों के लिए सलाम दुआ है वो करना है एंड आफ्टर दैट एट द लास्ट आप लोगों ने योर सन्से योर स्टोली लिख कर उसके बाद कोमा पुट करना है और एक्सपाई जी लिख कर लेटर को कम्प्लीट कर देना है सो सो विद दिस वे यू हैव टू राइट दिस लेटर this is very easy letter and i hope uh, that you have understood all the steps to write a letter you have uh, understood the rules to write a letter now you can easily write a letter now what do you have to do in your assignment uh, number two uh, there is mention your letter and you have to write this letter uh, in your assignment okay students so take care yourself